तो यूपी के मथुरा से ये सड़क हादसे की बड़ी घटना सामने आई। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर एक कार ने ट्रक में टकरा जाने से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मथुरा में दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जैत क्षेत्र में चौधरी ढाबे के पास दिल्ली की तरफ से आ रही कार पे काबू होकर बगल में खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे के चलते कार में सवार 3 दोस्तों तो वहीं ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई, जबकि कार में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार 5 दोस्त अलीगढ़ से कोकला वन शनिदेव के दर्शन के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। मृतकों की पहचान निविद वंसल, आलोक दयाल, आकाश, अजीत कुमार के रूप में हुई है। तीनों मृतक अलीगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि मृतक ट्रक ड्राइवर बिहार के छपरा का रहने वाला है। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वो हमारे बड़े भैया थे और रात में दर्शन के लिए निकले थे वो, और हमें रात में खबर आई कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। 5 लोग गए थे और कार से एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। और जब हमें खबर मिली कि वो अब इस संसार में अब नहीं रहे। कार में करीब कुल 5 लोग थे। थाना जैत में जैत गांव के सामने चौधरी ढाबा के पास एक कल रात एक्सीडेंट हुआ है 1 बजे के आसपास, जिसमें अलीगढ़ के लोग एक कार में सवार थे और उसमें कुल 5 लोग थे जो शनिदेव पे जा रहे थे परिक्रमा देने। एक अज्ञात वाहन से उनका टक्कर हुआ जिसमें 3 व्यक्तियों की तो मौके पे मृत्यु हो गई, 2 घायल हैं जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। इस टक्कर में एक ट्रक ड्राइवर जो खाना खा के जा रहा था वो भी चपेट में आ गया और उसकी भी मौत हो गई है। कुल 4 व्यक्तियों की इस घटना में दुर्घटना में मौत हुई है और 2 घायल अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज हो रहा है। ये सब अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ट्रक ड्राइवर बिहार का रहने वाला है, सबको सूचना दे दी गई है।